अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं आइसक्रीम पार्लर, जूस बार, POS सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हमारे पास ये आती है मैन स्क्रीन। हम चलते हैं हमारे काउंटर सेल पर। काउंटर सेल पर जाने के बाद हमारे पास सारे आइटम आ जाते हैं, जिसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं। ग्रेप फ्रूट, ऑरेंज, पाइन एप्पल, एप्पल हम सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आता है और हम ऑर्डर पंच करते हैं। ग्रेप फ्रूट सेलेक्ट किया मैंने, अब यहाँ मैं क्वान्टिटी बताऊँगा। फॉर एग्जाम्पल 1.80, ओके, ये आ गया मेरे पास ग्रेप फ्रूट। इसी तरह मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑरेंज, ऑरेंज मैंने सेलेक्ट किया 1.80, ओके, क्या ये मेरे पास आ गया ऑरेंज। अब मुझे इसको प्रिंट करना है। अमाउंट मेरे पास यहाँ रिसीव हो गई 500। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा। जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा तो ये मेरी स्लिप जनरेट हो जाएगी। अब ये स्लिप कहाँ सेव करनी है, अभी मेरा डिफ़ॉल्ट प्रिंटर PDF रखा हुआ है, तो मैं इसको PDF में सेव करता हूँ अपने डेस्कटॉप पे स्लिप के नाम से। अब जैसे ही मैं अपने डेस्कटॉप पे जाने देखने जाऊँगा तो ये मुझे पता चल जाएगा, ये मेरे पास आ गया स्लिप के फॉर्मेट पे, और इसमें मेरे पास कंप्लीट स्लिप जनरेट होके आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं ऊपर आपके जूस बार का नाम आ रहा होगा, और इसके अलावा आपके पास सारे तमाम ऑप्शंस आ रहे होंगे, सेल्स, इनवॉइस, कैश रिसिप्ट और ये सारी चीज़ें। ये इनवॉइस आपकी जनरेट हो जाएगी। इसको हम जितना जूम करना चाहें वो हम जूम भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा सारा प्रोसेस चल रहा होगा। फिर नेक्स्ट कस्टमर आएगा, फिर आप नेक्स्ट ऑर्डर पंच करेंगे और ये ऑर्डर पंचिंग आपकी चलती रहेगी। अब डे एंड पे आपको देखना है टोटल इस वक्त हमारी क्या सेल्स हुई हैं, तो आप आ जाएंगे आइटम वाइज सेल्स। जैसे ही मैं आइटम वाइज सेल्स में आता हूँ तो मुझे बता रहा है कि इस वक्त मेरी 500 की सेल्स हो चुकी हैं। आप कैटेगरी वाइज सेल्स भी आपने निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ देखना है कि ग्रैप फूड मेरा कितना सेल हो रहा है, मेरा पाइनएप्पल कितना सेल हो रहा है। इसको आप प्रिंट करेंगे तो ये आपकी रिपोर्ट, क्लोथिंग रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगी, जिसमें टोटल आइटम्स, टोटल क्वांटिटी और टोटल अमाउंट जो आपकी डेली सेल्स हुई होंगी। इसी तरीके से आप आइटम कैसे ऐड कर सकते हैं खुद से। सेटअप्स में आप आ जाएंगे चार्ट ऑफ इन्वेंट्री। चार्ट ऑफ इन्वेंट्री में जितने आप आइटम चाहें खुद से ऐड कर सकते हैं। सिंपल आइटम ऐड करने का तरीका है, आपने ऐड का बटन दबाया, प्रोडक्ट का नाम लिखा, सेलिंग प्राइस लिखी और सेव कर दिया, तो ये आपका आइटम सेव हो जाएगा। बहुत ही यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है ये। आपके पास डैशबोर्ड आ रहा होगा जिसमें टुडे सेल्स आपको दिखा रहा होगा कि आज की ये सेल्स हुई हैं। इसी तरीके से सेल रजिस्टर्ड देख सकते हैं। इवन आप इसमें अपने अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं, डेली एक्सपेंसेस जो आप परचेज कर रहे हैं वो सब चीज़ें इसमें आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आया और आपको परचेज करना है तो हम डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, और आप हम डायरेक्ट हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।